अगर आप भी एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान और प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि फ्री प्लान में क्या है। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्री प्लान की बात करें तो यहाँ पर आपकी 500 प्लस आपकी यहाँ पर फ्री लाइव क्लास है, और यहाँ पर डाउट क्लियर जो है सेशन भी आपका होता है। एमपी के टॉप एजुकेटर इसमें शामिल हैं, 50 एमपी के टॉप एजुकेटर हैं इसमें, जिनके माध्यम से आपकी डेली एंड वीकली लाइव फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, और आपका यहाँ पर एनालाइज भी बताया जाता है, और यहाँ पर आपकी जो इसमें ऑल डाउट क्लियर भी किए जाते हैं, और इसमें आपकी एमपी पुलिस और पुलिस कांस्टेबल और यहाँ पर एमपी जेल प्रहरी, एमपी एसआई और एमपी पीएससी की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आपके जो है फ्री लाइव क्विज है, 20,000 प्लस क्वेश्चन है जिसमें ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए जाते हैं। यहाँ पर आपकी एक T20 सीरीज भी होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं, और यहाँ पर आपकी जो सीरीज होती है मंडे से सैटरडे शाम 8 बजे को 8 PM पर आपकी सीरीज होती है, और इसमें एनालिसिस भी बताया जाता है आपका। तो इन सभी का फायदा लेने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड याद रखना है। यहाँ पर फ्री रिवीजन कैंप भी चल रहा है एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर का, जिसमें एमपी के जो है 20 टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आपकी यहाँ पर लाइव क्लास होती है, और यहाँ पर 20 से 22 दिसंबर यह आपका जो है कैंप चल रहा है 20 से 22 दिसंबर तक। फिर यहाँ पर आपके लिए अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस किया जाता है, और इसमें आपके वीकली एंड जो है मॉक टेस्ट भी होते हैं, और 10 महीने का यहाँ पर आपका फाउंडेशन बैच कोर्स है जिसमें एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं इसमें, और 2 साल का आपका यहाँ पर फाउंडेशन बैच है आपका जिसमें एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, और 120 दिन का भी आपका यहाँ पर टारगेट है एमपीपीएससी प्री और प्री का, और यहाँ पर आपकी जो है 3 महीने का जो है अदर बैच है जिसमें आपकी एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई जा रही है। यह आपका जो है प्लस सब्सक्रिप्शन में है, और इसमें आपके मध्य प्रदेश के यानी कि एमपी के टॉप 50 एजुकेटर हैं जिसके माध्यम से आपको डेली यहाँ पर लाइव क्लास होती है, और इनका जो है 8 साल तक का इनका अनुभव है। इसमें आपकी 2,500 लाइव क्लास हैं जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट क्लियर किए जाएंगे, डाउट क्लियर किए जाएंगे, और यहाँ पर आपके 20,000 प्लस मॉक डेली जो है मॉक टेस्ट होते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ्स गेम 2021 में कितने देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 5, 7, 4, 3 आपका राइट आंसर है यहाँ पर, 4 यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में गटका और कलारी पट्टू सहित 4 देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखम्ब और थांग ता है। इस फैसले के बारे में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है, और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाने की है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि 9 मेडल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। और भारत की तरफ से जो है 5 महिला और 8 पुरुष भारतीय मुक्केबाजों ने इटली में मजबूत तैयारी के बाद कोलन बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है सुजीत, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, सुजीत बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण हुआ है और यहाँ पर जलावतरण हुआ है और यह समुद्र में गश्त के रूप में 105 मीटर सीरेज का दूसरा जहाज है। इससे तटरक्षक की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। इस स्वदेशी अपतटीय पोत का डिजाइन तथा निर्माण GSL ने किया है। उन्नत तकनीक नौ परिवहन और संचार उपकरणों और सेंसर से लैस है और इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास 155 जहाजों का एक बेड़ा और 62 विमान भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी को या 18 मार्च को, 10 अगस्त को, 20 दिसंबर को? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 20 दिसंबर। विश्वभर में हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की है। तब से लेकर अब तक जो है हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को एक नया नाम क्या दिया है? यह बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का जो राइट आंसर है आपका वह क्या है यह बताना है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 गॉर्जियंस। गॉर्जियंस आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को एक नया नाम दिया है और स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गॉर्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन का घोषणा किया गया था। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते बल्कि अमेरिका उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान कर दिया है? 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 7 साल। हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के एक साथ उद्देश्य शादी के खिलाफ एक अधिक कठोर कानून लागू हो गया है। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। 2006 में कानून की जो है यह 2006 के कानून की जगह लेगा जिससे विधानसभा ने निरस्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को सूचित किया गया था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल तक की कैद और अधिकतम ₹50,000 के जुर्माने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ऑलराउंड तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो आपका सही आंसर है यो महेश, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने जो 20 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच सितंबर 2018 में खेला था जब वे विजय हजारे ट्रॉफी में असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। यो महेश ने 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी, 61 लिस्ट ए और 46 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने IPL मैचों में कुल 21 विकेट हासिल किए हैं। यो महेश को दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलने का मौका मिला। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? दिल्ली, पटना, हैदराबाद, लखनऊ? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, हैदराबाद आपका यहां पर राइट आंसर है। जी हां, हैदराबाद सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में
भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत एक ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन गया है। और रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक HWT में व्यापक स्पेक्ट्रम और हाइपरसोनिक प्रभाव को अनुकरण करने की क्षमता है। और यह आपका पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत सही इसका सभी लोगों ने आंसर बताया था और इसका सही आंसर था खड़गवासला में, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर था। एक विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया था उनका सही आंसर है। और ये आपका आज का चैलेंज प्रश्न क्या है, आज का चैलेंज प्रश्न तो देख लें। आज का चैलेंज प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह तो बताना है आपके लिए, कमेंट में बताना है, विस्तृत लिखना है क्या होगा इसका राइट आंसर, कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी, चार विकल्प दिए गए हैं। आंसर बनता है तो कमेंट में आपके लिए बताना है, विस्तृत लिखना है, आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है MPPSC प्री और मेंस का, जिसमें आंसर राइटिंग सीरीज है। 22 दिसंबर से आपकी सीरीज चालू हो रही है और 3 घंटे का यहाँ पर आपकी डेमो क्लास भी है अनअकैडमी पर, वह भी आप देख लें। और इसके बाद यहाँ पर 10 महीने का जो फाउंडेशन बैच कोर्स है, इसमें आपकी सभी विषय जो है इसमें कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर डेली वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं, क्विज होते हैं, जिसमें ऑल डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पर आपके नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं हिंदी में, और यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, MPG के सभी जो सब्जेक्ट हैं कवर किए जाते हैं। MP के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर MP के जो हैं टॉप एजुकेटर हैं। फिर यहाँ पर आपको MP लक्ष्य अपना, MP जो है लक्ष्य, MP सब इंस्पेक्टर का 3 महीने का यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है। MPSI यहाँ पर देख लें, जो लक्ष्य आपका है MP सब इंस्पेक्टर का, वह स्टार्ट है बैच आपका 21 दिसंबर से, यानी कि आज से ही आपका स्टार्ट हो चुका है यह आपका बैच, जिसमें आपकी 3 घंटे की डेमो क्लास भी है। और यहाँ पर इसमें ऑल सब्जेक्ट आपके क्लियर किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे, और आपके नोट्स भी आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर MPPS अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, फिर इसको आपको MPPSC व्यापम, फिर प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कोर्स है, आप जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं खरीदें, और उसमें आपको 10% ऑफ में मिलेगा। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड आपके लिए याद रखना है। और यहाँ पर आपको जो है जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, यहाँ पर आप बहुत सारी आपकी लाइव क्लास भी हैं, यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपके यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर किए जाते हैं, वीकली यहाँ पर कुछ भी आपके होते हैं। तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप में ही PDF और जो भी स्टडी मटेरियल रहता है वह सभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही उपलब्ध किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़ जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।